नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की, और खबर औरैया जिले से। जवाब मधुना कोतवाली क्षेत्र के हमीरपुर गांव में पानी भरने के मामले में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पीड़ित पक्ष के साथ साथ दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मधुना कोतवाली में तहरीर दी। बिदुना कोतवाली क्षेत्र के गांव हमीरपुर में पानी के भरने को लेकर के विवाद हो गया था दो पक्षों में, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और इनको इलाज के लिए भेजा गया है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में। और दोनों पक्षों से जो है वो उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही हर मंडल के लिए तीन तीन मंत्रियों का समूह बनाकर जिलों में भेजा गया है, जहां विकास कार्यों की समीक्षा पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। वहीं औरैया जनपद में पहुंचे चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिशु कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जनपद में पहुंचकर दलित के घर भोजन किया, जिसके बाद 100 अस्पताल और नव निर्माण हो रहे मेडिकल कॉलेज में चल रहे काम को लेकर भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते नाराजगी दिखाई है। संस्था बता रही है कि ये पूरा कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 23 फरवरी तक ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है मंत्रियों को जिले में भेजा गया है अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए, आपको क्या लगा, किया है, रिपोर्ट कैसी मिल रही है यहाँ पे? विकासखंड बुलंदशहर के अंतर्गत आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय दरियापुर का आज यूपी के कृषि मंत्री इंद्र प्रताप शाही द्वारा औचक निरीक्षण से स्थलीय निरीक्षण किया गया। कृषि मंत्री ने जनपद के समस्त विभागों से जिले में साफ सफाई सहित यूपी और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का भी निरीक्षण करते हुए अहम जानकारी जुटाई। निरीक्षण में अध्यापकों की उपस्थिति, अध्यापकों द्वारा बच्चों को दी जा रही शिक्षा, बिजली आपूर्ति, नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत रामबाग गांव में 21 वर्षीय युवा विशाल सुबह अपने सब्जी के खेत में घास की सफाई करने गया हुआ था। खेत में लगे मोटर के नीचे पड़े तार में करंट बह रहा था। इसी दौरान विशाल करंट की चपेट में आ गया और वहीं खेत में विशाल बेसुध हालत में पड़ा मिला। विशाल का भाई खेत में जाकर देखने गया तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन विशाल को उठाना चाहा, तभी उसको करंट लग गया। तब विशाल के भाई ने फावड़े के डंडे से पिछले के तार को हटाया। विशाल को रुद्रपुर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली का मोटर है, मोटर के साथ में बिजली का तार है जो मोटर में गया है, तो तार में बहुत झाड़ जंकड़ था, घास उसको साफ कर रहा था। ये पहले से साफ कर रहा था, तार को इसने अपने हाथ से उठाया और तार में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। उसने तार को पकड़ा और बिजली नहीं पकड़ी, और इसको पता नहीं था कि तार में फॉल्ट है। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में अंकुर तुलियासन को MBA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। इसी तरह नेहा सक्सेना को MBA को हॉट में रजत पदक और वरुण भार्गव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। MBA एनालिटिक्स में रोशन कुमार बिस्वाल और साक्षी पोद्दार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि कोरोना काल में विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ, इस दौरान हमने सूझबूझ से फैसले लिए। उन्होंने IIM में MBA की पढ़ाई पूरी करने वाले डिग्री धारकों से कहा कि वे लचीलेपन से उद्योग प्रबंधन और जीवन में आर्थिक चुनौतियों का सामना करें। दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एयरपोर्ट पहुंचते पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निराला नगर के होटल रिग्नेट के लिए वो रवाना हो गए हैं। एक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मेरठ कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने की कोशिशों में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। बचत भवन में अमूमन सरकारी बैठकें होती हैं। DM कार्यालय के ठीक सामने ये बचत भवन स्थित है।
और अब खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां अवैध मिट्टी खनन में खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रात में घेराबंदी कर अवैध खनन में लिप्त चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को धर दबोचा। पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने सीज किया है। पूरे आदेश हैं कि अवैध मिट्टी हो या अवैध इस प्रकार का कोई भी खनन अगर किया जा रहा है तो उस पर अभियान चलाया जाए। तो कल हमने खटीमा पुलिस के साथ में रात के समय में एक अभियान चलाया, जिसमें अवैध प्रकार की मिट्टी लाई हुई चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। और ये कार्रवाई लगातार चलती जाएगी कि इसमें जो है ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो अगर जो परमिशन पर चलती है तो परमिशन लेकर के चले तो ठीक है, अगर इस प्रकार से अवैध चलेंगी तो इनको जो है सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। सर दिए गए हैं इसी खटीमा क्षेत्र की हैं, देहात क्षेत्र में से ला रहे थे ये, और इनके पास कोई रॉयल्टी आदि नहीं थी तो इस कारण इनको सीज कर दिया गया। ऐसा तो हमारे संज्ञान में आया नहीं है, जो भी दिखा रहे हैं वो अपने परमिशन आईटीएम साहब की परमिशन है, जो जिनके पास परमिशन नहीं होगी तो उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, सीज कर देंगे। काशीपुर के जसपुर खुर्द स्थित सहानी रिसोर्ट के सामने मोहल्ला काजीबाग निवासी वीर सिंह और उसका दोस्त रामपुरा निवासी रजत सिंह एक पकौड़ी के ठेले पर पकौड़ी खा रहे थे कि अचानक वहां से गुजर रहे एक बुलेट सवार व्यक्ति ने वहां कर दोनों ही लोगों से पकौड़ी पहले लेने की कोशिश की, जिसको लेकर कहासुनी हो गई, जसमें जसपुर खुर्द निवासी बुलेट सवार जसवीर सिंह ने उन दोनों के ऊपर फायर झोंक दिया। वो दोनों फायर से बाल बाल बच गए और गोली उनके पास खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में लगी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हमलावर भीड़ को देखकर वहां से तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। दोनों ही दोस्तों ने उसका पीछा किया तो उसने चीमा चौराहे के निकट एक वाइन शॉप पर भी फायर झोंका। घटना की खबर लगते ही वहां पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तत्परता दिखाते हुए हमलावर को धर दबोचा है। कल रात को करीब 10 बजे हमारे पास सूचना आई कि किसी व्यक्ति ने सहानी रिजॉर्ट के सामने आईटीआई क्षेत्र में फायरिंग की है और हमारी प्रस्तुति भी थी, तो चीमा चौक के पास उस व्यक्ति को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहानी रिजॉर्ट के पास जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई थी उसकी तरफ से थाने में मुकदमा लिखा गया है और 25 साल से कम लोगों को पुलिस की तरफ लिखा गया है। उस अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोनों संबंधित धाराओं में उसको जेल रहे। सुल्तानपुर नगर के बुध बाजार चौराहे के समीप एक घर में रखे घरेलू सिलेंडर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने आग पर काबू पाया। बिल्हौर में दबंगों की दबंगे देखने की मिली, जहां पर बिल्हौर थाने के दारोगा पर हमला किया गया। पालतू कुत्ते के जरिए दारोगा पर हमला कराया गया है, जिससे उसकी वर्दी भी फट गई। बिल्हौर कस्बे के मुनीश्वर अवस्थी नगर के पास का पूरा मामला, पिच रोड पर खड़ी गाड़ी को दारोगा ने हटाने की कोशिश की, इसी को लेकर दबंगों के तेवर चढ़ गए। ड्यूटी पूरी कर वापस आते समय दारोगा को घेर लिया। पीड़ित दारोगा गंभीर रूप से घायल है। दबंगों ने दारोगा का मोबाइल भी तोड़ा। थाने से महज 100 मीटर दूरी की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने एक दबंग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर घट्टू घाट के पास दो कैंप संचालकों के आपसी विवाद में चाकू मारकर एक कैंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई, जबकि दो कर्मचारी चाकू लगने से घायल हो गए, जिनका इलाज राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में चल रहा है। वारदात के बाद चाकू मारने वाले आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड को दौड़ लगाई। परेड में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल देखकर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षक लाइन को निर्देशित किया और अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रावस्ती में फाइलेरिया उन्मूल के तहत लोगों को फाइलेरिया से बचाने के लिए सामूहिक दवा सेवा अभियान का शुभारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत जनपद के सभी सीएससी केंद्रों पर सामूहिक दवा सेवन अभियान के तहत केंद्र पर आए हुए लोगों को दवा खिलाई जा रही है। इसके साथ ही समस्त आशा बहुओं के घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा 2 साल से ऊपर के
बच्चों को वितरित करने का आदेश दिया गया है, जिससे श्रावस्ती फाइलेरिया मुक्त जिला बन सके। वहीं सीएचसी अधीक्षक किरावला दीपक शुक्ला ने सीएचसी पर आए हुए लोगों को फाइलेरिया की दवा वितरण कर मौजूद लोगों का दवा भी खिलाया। इसके साथ ही सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में फाइलेरिया दवा का सेवन करें, जिससे कि श्रावस्ती फाइलेरिया मुक्त हो सके और अपनी जान पहचान के लोगों को भी इस दवा का सेवन करने के लिए प्रेरित करें। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि गिलौला ब्लॉक के अंतर्गत समस्त क्षेत्रवासी आज ध्यान दें, आज से फाइलेरिया दिवस की महाअभियान का शुरुआत हुआ है, जिसमें आशाएं घर घर जाके फाइलेरिया की दवा खिलाई है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 2 साल से ऊपर के जितने भी घर में लोग हैं, उन सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा अवश्य खिलाएं, जिससे आने वाले दिनों में फाइलेरिया जैसे घातक रोगों से मुक्ति मिल सके और हमारा समाज स्वस्थ और सुदृढ़ बन सके। धन्यवाद। वहीं श्रावस्ती में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जनपद बहराइच श्रावस्ती के कर्मियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण करने हेतु अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड 6 श्रावस्ती के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जनपद अध्यक्ष इंजीनियर रवि यादव की अध्यक्षता में किया गया। अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड 6 श्रावस्ती अपने द्वारा निर्गत कार्य वृत्ति का पालन नहीं करते, जिसके चलते भारी संख्या में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने कार्यालय पर विरोध जताकर प्रदर्शन किया है। वहीं संघ के वार्ता संबंधी आदेशों को नहीं मानने के चलते काफी इंजीनियर परेशान है और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्यालय में लगातार बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जो विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम शासनादेश जो है पारित है कि जो भी कार्यालय अध्यक्ष हो, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे कृषक हो या आम जन हो, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए 10 से 12 बजे तक निरंतर कार्यालय में जो है उपस्थित है। किंतु विगत 5-6 महीनों से हमारा संगठन निरंतर इनको पत्र लिख रहा है हमारे जूनियर इंजीनियरों की समस्याओं के समाधान करने के लिए, किंतु ये जो है ना तो कार्यालय में लगातार बैठते हैं इतना समय अशासकीय अभियंता इंजीनियर अजय कुमार जी, और ना ही समस्याओं के समाधान के लिए ये पत्र का जो है कि जवाब देते हैं, जबकि जो है विभिन्न शासनादेश हर जून में आता है। शादी विवाह और मांगलिक कार्यक्रमों के चलते लोगों का सड़कों पर आवागमन बहुत तेज हो गया है, जिससे प्रतिदिन सड़कों पर दुर्घटनाएं का सिलसिला लगातार जारी है। अगर श्रावस्ती की हम बात करें तो यहां कोतवाली भिंगा क्षेत्र के भूजपुर के पास जा रहे एक बाइक सवार और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो टेम्पो चालक मौके से फरार है। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। हिंदू समाज की शादी में लकड़ी के पीढ़े का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्न तरह के नक्काशी से बने पीढ़ों पर वर और वधु को बैठाकर शादी को संपन्न कराया जाता है। सिद्धार्थनगर जिले के समाज सेवी लाल बाबा की कोशिश होती है कि जिले की शादी में उनके द्वारा उपहार में दिए गए पीढ़े पर ही शादी हो। इस कोशिश में उन्होंने इतना पीढ़ा बांटा कि वो पीढ़ा बाबा के नाम से मशहूर हो गए। जिले के शौरतगढ़ विधानसभा के रहने वाले लालजी त्रिपाठी और पीढ़ा बाबा अब तक करीब 19,000 पीढ़े लोगों के घरों पर पहुँचा चुके हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। हमारे हिंदू समाज में जब लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले पीढ़े का अपने घर पे दरवाजे पर इसका पूजन होता है। इसका पूजन होता है, खैलरी लोढ़े से होता है, फिर जिस दिन कन्यादान होता है उस दिन इसको मंत्र से पढ़ करके तब वर को और वधु को, कन्या और वर को बैठाया जाता है। इसमें एक हमारे यहाँ विश्वास है कि कम से कम इसी पीढ़े पर बैठा के दो आत्माओं को, कन्या और वर को बैठा करके एक किया जाता है। इस पद्धति को निभाने के लिए मेरे मन में आया कि एक समाज का सेवा कुछ करना चाहिए अपने लिए, तो ये करता चला रहा। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने सोनपुल से छलांग लगा दी। पुल से युवती के छलांग लगाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवती को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो गेल थाना क्षेत्र की ये युवती बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया। 54 थाना क्षेत्र के सोनपुर का ये पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।